हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिस प्लॉट का एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन जो हमारा मकान बन रहा है वो 30x50 के अंदर बन रहा है। 30 फीट चौड़ाई के अंदर और 50 फीट लंबाई के अंदर हमारा मकान बन रहा है। पूर्व दिशा की तरफ ईस्ट वेस्ट मकान का मुख है और चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं मकान की चौड़ाई की, जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास 30 फीट, और जो हमारी मकान की लंबाई की बात करते हैं लेंथ की, तो यहाँ से लेके यहाँ सामने तक वो है 50 फीट है। तो 30x50 के अंदर हमारा मकान बन रहा है और बाकी चारों साइड इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, और जो हमारा मकान का मुख है वो हमारे पास पूर्व दिशा के अंदर, ठीक है। तो पूर्व दिशा से देखिए, जैसे हम दोस्तों यहाँ पर दो स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास आउटर सेटिंग बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 9 इंच ऐसे और 6 फीट ऐसे आउटर सेटिंग है। इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाज़ा, और ये हमारा ड्राइंग रूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12x16, 12 फीट ऐसे और 16 फीट ऐसे, ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर उत्तर दिशा की तरफ निकल रही है, और इस ड्राइंग रूम का एक 3.5 फीट का दरवाज़ा डाइनिंग एरिया के अंदर निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आ रहा है हमारा घर का मेन डोर 4 फीट का, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर, ठीक है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 6.5x16 फीट 1.5 इंच का हमारे पास डाइनिंग एरिया है। और डाइनिंग एरिया इस तरफ यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा, और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10x10, 10 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे, 10x10 का किचन है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने पूर्व दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर दक्षिण दिशा की तरफ निकल रहा है। किचन से वापस बाहर आते तो ये डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12x14 फीट 4.5 इंच, 12 फीट ऐसे और 14 फीट 4.5 इंच का एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टेयर केस बना हुआ हमारा, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट स्टेयर केस का लैंडिंग है। उसके बाद में यहाँ पर फैमिली लॉब भी है, जिसके अंदर आप देखिए इसकी साइज हो गई हमारे पास 12 फीट 7.5 इंच, इस दीवार से लेके यहाँ पर स्टेयर केस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट 7.5 इंच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट 10 इंच है। तो 12 फीट 7.5 इंच बाई 12 फीट 10 इंच का हमारे पास फैमिली लॉबी हो गया, जिसके अंदर आप यहाँ पर सोफे वगैरह लगा कर आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर स्टेयर केस भी बना हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। तो जहाँ से स्टेयर केस डाउन हो रहा है उसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट बाई 11 फीट 9 इंच, 11 फीट 9 इंच ऐसे और 13 फीट ऐसे, ये हमारा बेडरूम है। इस बेडरूम की एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा की तरफ निकल रही है, और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 7 फीट 7.5 इंच, ये 4 फीट आप यहाँ पर देख सकते हो, 4 फीट बाई 7.5 फीट 7.5 इंच अटैच टॉयलेट हो गया, और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। अब बेडरूम से ऑफिस बाहर आते तो बेडरूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा कॉमन बाथरूम आ रहा है, जिसकी साइज़ है 4 फीट बाई 5 फीट है, 4x5 का कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी साइज़ है 12x13, 12 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर उत्तर दिशा की तरफ। और इस बेडरूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी साइज़ है 4x6, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी नॉर्थ के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आप उसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पूर्व दिशा वही, ये हमारा किचन, ये आउटर सेटिंग, ये हमारा ड्राॅइंग रूम, ये घर का मेन डोर, ठीक है, ये हमारा डाइनिंग एरिया, ये हमारा बेडरूम, ये हमारा स्टेयर केस, और ये हमारी फैमिली लॉबी, और ये कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम, ये बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, ये कॉमन बाथरूम। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है दोस्तों, जो हमारा घर का है, और 30x50 के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है, और जिसके अंदर टोटल 3 रूम, ड्राॅइंग रूम, डाइनिंग एरिया और किचन है। चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो विंडो वगैरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, 30x50 के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। ये देखिए पीछे से 30 फीट हो गया, ये एक बेडरूम, इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम, ये कॉमन बाथरूम, ठीक है, फिर ये कॉमन टॉयलेट, ये हमारा स्टेयर केस हो जाएगा, यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, ये हमारी फैमिली लॉबी हो जाएगी, जिसके अंदर आप आराम से सोफे वगैरह डिजाइन वगैरह करवा के यहाँ पर अपने परिवारजनों के साथ बैठ सकते हो। फिर यहाँ पर बेडरूम हो गया, और इस बेडरूम के बाद में यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया हो गया, यहाँ पर आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा कर खाना वगैरह खा सकते हो। और फिर ये ड्राइंग रूम हो गया, जिसका एक दरवाज़ा ये घर के अंदर खुल रहा है और एक दरवाज़ा घर के बाहर खुल रहा है। ये हमारा किचन हो गया, ये हमारा मेन डोर हो गया, ये आउटर सिटिंग हो गया,
और ये पूर्व दिशा हो गई। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।